केरल की वायनाड सीट एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आगामी लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए गए इनकम के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास 46.39 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल संपत्ति 15 लाख रुपए है। वहीं चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास 4,24,78,689 रुपए की चल संपत्ति है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें तो 13,89,92,515 रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के पास 37,91,47,432 रुपए की चल संपत्ति है। प्रियंका गांधी पर 15,75,000 रुपए का कर्ज भी है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा पर देनदारी 10,03,30,374 रुपए की है। वहीं चुनावी हलफनामे के मुताबिक कांग्रेस नेता ने म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में कुल 2,24,93,000 रुपए का निवेश किया है। इनके पास 3 बैंक अकाउंट है, जिसमें 3,61,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट है। वहीं 30 सितंबर तक इनके पास कैश इन हैंड 52,000 रुपए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा की PPF अकाउंट में 17,38,265 रुपए थे। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास 59.83 किलो के चांदी से बनी चीजें हैं, जिसकी वैल्यू 29,55,581 रुपए की है। वहीं उनके पास 4.41 किलो की ज्वेलरी है, जिसमें 2.5 किलो सोने हैं और इसकी कीमत 1,15,69,000 रुपए की है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पास 8 लाख रुपए की होंडा CRV कार है। कांग्रेस नेता के पास 2,10,00,000 रुपए से ज्यादा की कीमत की एग्रीकल्चर जमीन है। वहीं हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा के पास 48,997 स्क्वायर फीट एरिया का घर है, जो शिमला में स्थित है। इसकी कीमत करीब 1,09,00,000 रुपए की है। चुनावी हलफनामे के अनुसार प्रियंका गांधी के पास कुल 7.74 करोड़ रुपए का रेजिडेंट एरिया है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के पास 27.64 करोड़ रुपए की जो है कमर्शियल बिल्डिंग है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।